हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे वर्ल्ड मैप का पार्ट टू। पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा तो पार्ट वन पहले देखें, क्योंकि पार्ट वन में मैंने बहुत सारे देशों के बारे में, इवन कॉन्टिनेंट, ओशन, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज़ पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मैप पार्ट टू। इसमें क्या देखने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे इधर के जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के बारे में देखेंगे, पर्शियन गल्फ के आसपास। दूसरा मिडिल ईस्ट, यही वाला रीजन जो है ऊपर वाला, इसको मिडिल ईस्ट के बारे में देखेंगे। साउथ एशिया, इंडिया प्लस उसके पड़ोसी देश जो हैं, इनको हम साउथ एशिया में इंक्लूड करके चलते हैं। और यहाँ का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है सार्क। कमेंट करके बताओ सार्क की फुल फॉर्म कब बना, सार्क पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। प्लस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानेंगे। कम से कम आज आप 40 प्लस प्लेसेस के बारे में आप जानोगे और अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक मैप लें, बिना ब्लैंक मैप के आप इस वीडियो को मत देखें। एक ब्लैंक मैप लें, वर्ल्ड मैप लें, और उसमें मैं जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे जगहों को भरना, पहले समझना, मैं बताऊंगा आपको ना। तो पहली बात, इस वर्ल्ड मैप को आपको देखना है, यहां इस वाली लोकेशन को और इस वाली लोकेशन को हम आज अच्छी तरह से समझ लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस मैप को अगर मैं जूम करूं, ये आपका जूम हो गया मैप, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, और ये जो है ना, ये वाली मैंने पिछले मैप में भी आपको बताई थी, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर अरेबियन सी है, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे यमन, ओमान, तो इसके आसपास के इन सारे कंट्रीज को हम समझेंगे ना। तो इंडिया की बगल में आप देखो, यहाँ पे इंडिया, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, यहाँ पे इराक है ना, फिर ये सऊदी अरब है, यमन, ओमान, पर्शियन गल्फ, और यहाँ बीच में छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो पेपर में तो नहीं पूछे जाएंगे, मगर मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ उनको, है ना, गल्फ कंट्रीज या मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मैप है। तो ये ईरान से शुरू करते हैं, ईरान के बगल में आपको बताइए पाकिस्तान है। तो ईरान के नीचे पहली बात, तो जो एरिया है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। एक चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, ईरान के नीचे पर्शियन गल्फ है। किसी ज़माने में ईरान को हम पर्शिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पर्शिया। और यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती थी वो चलती थी पर्शियन, जिसको हम फारसी भाषा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे सिया मुस्लिम्स पाए जाते हैं। नीचे जो गल्फ है इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन से कंट्री है वो भी देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये है आपका सऊदी अरेबिया, जहाँ से इस्लाम का राइज हुआ, यहीं पे मक्का मदीना दो जगह हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के नीचे यमन, और यहाँ पे ओमान, मैंने कल भी आपको बताए थे यमन और ओमान। यमन में यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम याद रखना अडेन, पोर्ट का नाम क्या याद रखना है, यहाँ पर एक पोर्ट है अडेन, अडेन नाम का पोर्ट है, इसलिए नीचे गल्फ ऑफ अडेन भी लिखा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपको बताइए एक स्वेज कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में ऊपर जो पोर्ट है पोर्ट सैड, और नीचे पोर्ट स्वेज, ये भी आप ध्यान रखना। अब कंट्रीज को देखते हैं, देखो ईरान, ईरान के बगल में यहाँ पे है इराक, इराक के जस्ट नीचे यहाँ पे पर्शियन गल्फ से बिल्कुल चिपका हुआ है यह है कुवैत, छोटा सा कंट्री। फिर ये सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यहाँ पे यह है यूएई, यूएई जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, आपको पता ही होगा, यूएई नहीं नहीं सॉरी दुबई है, दुबई, यूएई की कैपिटल दुबई है, और अच्छा यूएई कैपिटल इसकी अबू धाबी है ना, अबू धाबी कैपिटल यूएई अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता होगा यूएई में एक चीज़ आपको, कि अभी मोदी जी गए थे यहाँ पे, एक मंदिर का भी इनोग्रेशन हुआ था, वही है ना। फिर इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा देश है कतर, कतर जिसकी कैपिटल दोहा है, कतर के ऊपर बिल्कुल छोटा सा देश है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये तो रहा यूएई जिसकी कैपिटल अबू धाबी, फिर यहाँ पे कतर, कतर की कैपिटल दोहा, फिर ये छोटा सा आइलैंड है बहरीन, बहरीन के नाम से, राइट। और ये ओमान है, ओमान के बिल्कुल बगल में यूएई, और यहाँ पे कतर, और कतर के ऊपर यहाँ पे बहरीन, और बगल में सऊदी अरेबिया चली रहा है। फिर पर्शियन गल्फ बिल्कुल एंड जहाँ पे होती है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है कुवैत, यहीं पर आपको पता है गल्फ वॉर भी हुआ था, आपने सुना होगा गल्फ वॉर, गल्फ वॉर में ईरान ने अटैक किया था कुवैत पर, सॉरी इराक ने। तो ये वाला देश कौन सा हो जाएगा? इराक। और यहाँ पे ईरान, इराक के ऊपर आप देखोगे, इराक के ऊपर है सीरिया, यहीं पर एक आतंकवादी ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है आईएसआईएस, सुना होगा आपने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो यहीं सऊदी अरब के ऊपर यहाँ पे जॉर्डन है, ये इराक हो गया, ये सीरिया हो गया, और ये जो देश है ना भैया, ये है आपका इजराइल। कौन सा है? इजराइल, जो वॉर चल रहा है आपको पता ही होगा, इजराइल का और पैलेस्तीन का, है ना। इजराइल, पैलेस्तीन क्या है एक्चुअली, इजराइल में ये वाली जगह और ये वाली जगह जो है ये पैलेस्तीन है, यहीं पर ये वाली जगह आपने न्यूज में सुनी होगी गाजा स्ट्रिप के नाम से, गाजा स्ट्रिप ये पैलेस्तीन में ही है, ठीक है। तो दोबारा एक बार फिर से देखते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, यहाँ पे कुवैत, ईरान, इराक, सीरिया, और सऊदी अरेबिया के ऊपर है जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर इजराइल, है ना,
और यहाँ पे ये पूरा इजिप्ट, इजिप्ट के नीचे सूडान, और यहाँ पे जो सी है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर टर्की है, टर्की के ऊपर ब्लैक सी है ना, और ईरान के ऊपर है कैस्पियन सी, यहाँ पे पर्शियन गल्फ। तो एक बार इन सी को सबको ध्यान रखना, इंडिया के बगल में अरेबियन सी, यहाँ पे रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी, टर्की के ऊपर ब्लैक सी, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से बगल में बिल्कुल चिपके हुए हैं सीरिया, ये लेबनान, और यहाँ पे इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। आई होप अभी आपको अच्छी तरह से हो गए होंगे, इनको एक बार भर लेना है मैप पे, ठीक है। और देख लो यहाँ पे ये रहा ओमान, यमन, अरेबियन सी, यूएई और कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे मक्का और मदीना हज की यात्रा पे जाते हैं, ये आपका रेड सी हो गया ना, बिल्कुल वेरी गुड। और यहाँ पे और देख लो, ये जो कंट्रीज हैं रेड में दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज, क्या बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज के नाम से फेमस हैं, ठीक है। अब जगह हम बढ़ते हैं, देखो फटाफट फटाफट, ये सारी सारी जगह दे रखी हैं, सऊदी अरेबिया डॉट लगाऊंगा मैं बस, ये वाला सऊदी अरेबिया हो गया, यमन इसकी बगल में, ये यमन हो गया, ओमान यहाँ पे आपको टिक लगाना है, ये ओमान हो गया, ईरान ये वाला ईरान हो गया अगला डॉट, इराक ईरान की बगल में इराक हो गया, सीरिया सीरिया इसकी जस्ट बगल में, ये वाला थोड़ा सा नीचे इसके सीरिया हो जाएगा, है ना, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ना, जब ज़्यादा सही रहेगा, सीरिया हो गया, तो ये हो जाएगा ईरान, इराक, सीरिया, है ना, और पर्शियन गल्फ, ये बीच में पर्शियन गल्फ हो जाएगी, रेड सी, ये वाला रेड सी हो जाएगा, इजिप्ट, ये वाला इजिप्ट हो जाएगा ना, यूएई, यूएई आपको पता बिल्कुल उसकी बगल में छोटा सा, जॉर्डन ये वाला जॉर्डन हो जाएगा सऊदी अरेबिया के ऊपर, है ना, ब्लैक सी, ब्लैक सी कौन सा है भाई, ये वाला टर्की के ऊपर, ये वाला जो सी है ना, ये वाला सी, ये ब्लैक सी हो जाएगा ना, ये वाला है ना, और कैस्पियन सी ईरान के ऊपर, ये वाला कैस्पियन सी हो जाएगा, टर्की ये वाला टर्की हो जाएगा, कुवैत, कुवैत आपको पता है छोटा सा, देखेगा भी नहीं ना, पूछने वाला आपसे कोई, है ना, कुवैत एक्चुअली ये पर्शियन गल्फ है, और ये वाली जगह है कुवैत, और यहाँ पे इराक है ना, कुवैत यहाँ पे एक्चुअली, और बहरीन, बहरीन तो इसमें बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, तुम इसको ढूंढ पाओ ना, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हल्का सा एक डॉट है बहरीन, बस छोटा सा देश है बहरीन, और कतर, कतर उसकी बगल में ही है बहरीन से पहले, है ना, ये इसको जूम करोगे तो ये यूएई, फिर कतर और फिर बहरीन, ऐसे तीन देश हैं, और ये कुवैत, ऐसे करके अभी मैंने आपको दिखाए थे, तो इनको एक बार देख लेना, यहाँ पे फिर दोबारा से दिखाते हूँ, ये रहे, ये रहा यूएई, ये कतर, ये बहरीन और ये कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जॉर्डन, इराक, एक बार इनको देख के आराम से भर लेना इनको, ना सार्क कंट्रीज के बारे में देखते हैं, सार्क कंट्रीज इंडिया प्लस उसके पड़ोसी देश सार्क कंट्रीज में आते हैं, ये अपना प्यारा भारत, भारत के नीचे श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव्स, और ये बांग्लादेश, इधर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सार कंट्रीज हो गए, प्लस ये कंट्री तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे म्यांमार, कौन सा कंट्री है, म्यांमार, ओके। तो यहाँ पे इन सार कंट्रीज को सबको भरना है आपको, यहाँ पे ये वाला मैप दे रखा है, तो यहाँ पे भैया इंडिया, नेपाल, यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, और मालदीव्स, म्यांमार, चाइना, मंगोलिया, ठीक है, इतने कंट्रीज आपको भर देने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक आइलैंड है छोटा सा, तस्मानिया आइलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया में इधर डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट वाला इलाका है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इसको बोलते हैं, इधर की साइड में क्वींसलैंड, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, इनसे हमें ज़्यादा पूछेगा नहीं कोई इनमें से, पर फिर भी जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक जगह है पर्थ, यहाँ पर एक जगह है डार्विन, ये पूछ सकते हैं आपसे पर्थ डार्विन, यहाँ पे एक जगह है सिडनी, यहाँ पे जगह है एक मेलबर्न, ये वाली मेलबर्न है ना, मेलबर्न, तो इन जगहों को देखते हैं, इन जगहों को एक बार ढंग से याद कर लेना, यहाँ पे डार्विन एक याद रखनी है, इधर की साइड में पर्थ याद रखनी है, एडिलेड याद रखनी है, यहाँ पे मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी और ब्रिस्बेन, लास्ट इतनी जगह आपको याद रखनी है, नीचे तस्मानिया आइलैंड, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे मैप में एक बार फिल कर लेनी है, ये कंट्री तो आपको पता ही है न्यूजीलैंड, यहाँ पे तस्मानिया, यहाँ मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, डार्विन और पर्थ, इन जगहों को और एक बार मैप में भर लेना और क्लियर हो जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी मैं अभी वर्ल्ड की कुछ और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होंगी उनको भी मैं कराऊंगा अभी, नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं जरूर कराऊंगा, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट वाली वीडियो में ले आएंगे, प्लस इंडिया का मैप भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ओके, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद, जय भारत।